चार गोल में जाएंगे किस गोल टीम के कैप्टन और बहुत ही बेहतरीन कैप्टन थी आज के दिन में यहाँ पर गोल करते हैं। ये पहला गोल होगा इनका, बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर मिस्त्री हजरत के लिए। मिस्त्री हजरत तैयार, अनिल किस्तू भी तैयार, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले रहे हैं, किस्तू चल रहे हैं यहाँ पर स्ट्राइक लेने के लिए। और इसके साथ ही चार दिन की बहुत यहाँ पर टूटू प्रदर्शन बूढ़ी घोड़ा कम कर दिया, जबकि लीग खेलने वाले प्रेजेंटेशन करने वाले खिलाड़ी मुन्ना मंडी को आप देख पाएंगे आज 11 नंबर में कांदो की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी। और यहाँ पर वाईएससी गोंडा की टीम से अगर देखा जाए तो वही खिलाड़ी इस मुकाबले में उतारा है टीम कैप्टन राजेंद्र मुर्मू के देखते नेतृत्व में। इसी बीच लाल का छपाक से हाथ से सुरंजा गेंद को पेनिट्रेट करने के बाद छपाक निकाला है। एक बार फिर से यहाँ पर रोलिंग अवस्था में गेंद देखते हैं बाबूलाल सोरेन और यहाँ पर वाईएससी गोंडा की टीम शुरुआती समय में ही खेल के 53वें सेकंड में एक शानदार छक्का यहाँ पर बुदी कुला कांडो की टीम को इस तरह से छक्का दिया है। और इस तरह से सबसे कम समय में किया गया गोल का ये सेकंड ऐसा रिकॉर्ड है बना सर, क्योंकि शुरुआती दिन में लच्छू मुर्मू जो कि लच्छू मुर्मू ने अपने टीम के लिए खेल के 28वें मिनट में गोल दागकर माफ कीजिएगा 28वें सेकंड में गोल दागा था। और फिलहाल यहाँ पर 53 सेकंड में यहाँ गोंडा की टीम ने 1-0 के बदल बुदी कुला कांदो की टीम के ऊपर कर दिया है। खैर समय इस मुकाबले में बहुत है बोला जाएगा बिल्कुल मैन मैन उन्हें कास्टिंग अति बढ़िया हुई करा और तो मैंने कल है ना कांप्रेट टीम अति मजबूत या बहुत चित्र रन प्रबल दावेदार को आनुमान करते पे फिर भूल कुछ जोंग करता है नो मैच या रोमांच तुसार तीन गुनी पढ़ाओ करा सीधा जे एहो की गोल हुई करा। चलिए सात नंबर थे बहुत तो कथा एक कहते हैं ना तुसार वो मैच लिया का रोमांच काम तीन गुनी पढ़ाओ सीधा जे कोई कमजोर को आकर कहते हैं उनको टीम की थोड़े बड़े को नाम करा हमारे मतलब मजा आइए तो जी हाँ मतलब। और शुरुआती समय में ही खेल के 53वें सेकंड में ही एक शानदार गोल बाबूलाल ने गोल दागा है और इस तरह से निश्चित रूप से खिलाड़ियों का मोरल निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है। फिलहाल इसी बीच में कांदो की टीम उत्तरी गोल को माफ कीजिएगा दक्षिणी गोल को सेरिया में गेंद रोकने की कोशिश कर रहे थे मगर यहाँ पर सुरक्षा पंक्ति बहुत ही मजबूत है और इसीलिए गेंद को यहाँ पर प्ले में रख पाते नहीं मगर बॉल टच लाइन से बाहर निकल गई है और टूटू ब्रदर एफसी बुद्धि गोला कांदो की टीम को थ्रोइंग के लिए मौका मिलता है। अच्छा थ्रोइ बहुत ही सुंदर अनिल किस्कू यहाँ पर इस टूर्नामेंट में एक बार फिर से उमेश के लिए उमेश गेंद को जरूर कंट्रोल करना चाहते थे लेकिन छिटक कर गेंद गोल लाइन से बाहर और संतोषा वहां पर अंतिम टच गोड्डा के खिलाड़ी के पैर से लगी थी और इस वजह से कॉर्नर किक लेने के लिए टूटू ब्रदर एफसी बुद्धि गोला कांदो की टीम को मौका मिलता है। फिलहाल यहाँ पर कॉर्नर किक के लिए तैयार होते हुए बुद्धि गोला कांदो की टीम इस समय आक्रमण में देखना है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर हवा के गेंद को खेल दिया है और यहाँ पर स्पेशलिस्ट खिलाड़ी जो कि महावीर जर्सी नंबर 3 लंबे लंबे जो घुंघराले बाल लेकिन गजब का ये खिलाड़ी स्किल है फुर्तीले खिलाड़ी है और जब जब कॉर्नर की नौबत आती है मैंने बहुत मरतबा देखा है वो कॉर्नर से जब भी गेंद को रिलीज किया जाता है वो गोल एरिया में मौजूद होते ही होते हैं। इसी बीच एक बार फिर से स्टैनली गेंद को रोकने से पहले ही उनकी कोशिश को विफल किया है। एक बार फिर से फर्स्ट टाइम में स्टैनली को पास बढ़ाया गया है। स्टैनली एकमात्र यहाँ पर विदेशी टीम के खिलाड़ी और फिलहाल यहाँ पर 12 नंबर गुंडा का मैं बात कर रहा था और बड़े क्लब से खेलने वाले खिलाड़ी आज इस मुकाबले में आज यहाँ पर उतारा गया है और जिस तरह से यहाँ पर गेंद को ओपनिंग करने की कोशिश बहुत ही सुंदर था मनंतर पास और यहाँ पर देखना है अंदर का वहाँ पर पास राजकुमार टुडू के लिए और राजकुमार टुडू ने एक बार फिर से शॉट बढ़ाया जरूर है लेकिन ऑफ साइड के ड्रेम काफी ऊपर में चढ़ कर बनाए हुए थे और इस तरह से यहाँ पर इस मुकाबले के एकमात्र गोल स्कोरर खिलाड़ी जो गोल दागे हैं जर्सी नंबर 8 बाबूलाल सोरेन और बाबूलाल सोरेन का मुझे याद आ रहा है इससे पहले भी एक गोल दागा था इस टूर्नामेंट में और वो उनका व्यक्तिगत या दूसरा स्कोर हो सकता है इस मुकाबले में। और जहां तक बात करें अनिल किस्कू जर्सी नंबर 10 पहने हुए
संथाल यूथ आइकॉन फुटबॉलर इस मुकाबले में जर्सी नंबर 10 उसने इस टूर्नामेंट में 3 महत्वपूर्ण गोल दागा है। इससे पहले दो एक मैच में 2 गोल दागा था और क्वार्टर राउंड में 1 महत्वपूर्ण गोल दागा था और वो संयुक्त रूप से मांडर रांची के एक खिलाड़ी से भी जो कि हेडफेक लगाए थे उसके साथ टॉप स्कोरर के लिस्ट में संयुक्त रूप से इस समय मौजूद है और इसी बीच हम लोग बना सकते हैं जरूर हल्का सा पास बोल पड़ रहा था लेकिन सेकंड गोल बनाने की कोशिश में वहां पर चुके और इसी बीच यहाँ पर सुदीप के पास गया देखना है जगह को आगे की ओर साथी खिलाड़ी को मजबूत खिलाड़ी है और मुन्ना का पास जरूर सामने वाले दिशा में लेकिन इसी बीच बॉलिंग बॉल देखना है सुधीर गेंदबाजी करने की कोशिश बॉल को कब्जे में करने की कोशिश अभी भी मुन्ना ने तुरंत ही वहां पर स्टैंडली खेल ले और स्टैंडली ने उन्हीं खेल ले मल्टीग्रीन फिर से बेहतरीन खेलते हैं कभी फॉरवर्ड लाइन में चले जाते हैं उन्हीं लेकिन और जहां तक अगर बात करें वाईएससी गोड्डा की टीम अपने पहले राउंड के मैच में रामगढ़ रांची की टीम को हराया था टाइब्रेकर में और क्वार्टर में उनका खेल हुआ था राजीव राजवीर पुड़ियाहाट के साथ और राजवीर पुड़ियाहाट को हराकर वाईएससी गोड्डा की टीम से भी फाइनल में स्थान पक्का किया था। अभी फाइनल में जाने के लिए दोनों टीम यहाँ पर इस समय इस मुकाबले में एक शानदार वापसी और इस तरह से पहले हाफ में दोनों टीम एक-एक गोल कर बनाते हैं। लेकिन इस मुकाबले में सफाते ही होगा।